नमस्कार, मैं शौर्य पुंज आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ प्रभात खबर डॉट कॉम के खास प्रस्तुति में। आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं जो अभी गर्मी चल रही है देश में, जो गर्मी का प्रकोप जारी है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बातचीत करने के लिए आपके सामने बुलाए हैं लखनऊ के डॉक्टर अमित अग्रवाल को। डॉक्टर अमित अग्रवाल लखनऊ के पॉली क्लिनिक में प्लास्टिक सर्जन के रूप में वहाँ पर जॉब करते हैं। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि सर, जो गर्मी का प्रकोप अभी देश भर में जारी है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो अभी गर्मी का प्रकोप जारी है, तो इसमें बहुत सारी खबरें आ रही है कि लोगों की जान भी जा रही है, लू लगने से लोगों की जान चली जा रही है। तो अचानक से इस गर्मी का जो गर्मी शुरू हुई है, जो लू लग रहे हैं लोगों को, तो ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों की जान जा रही है? क्या वाकई इतना इतने ज्यादा टेम्परेचर, 48-49 डिग्री टेम्परेचर में लोगों की जान जा सकती है? नमस्कार शौर्य जी, नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लू लगने से हम लोग लू तब मानते हैं या हीट वेव तब मानते हैं जब हमारे वातावरण का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है। 45 डिग्री के ऊपर का तापमान जो होता है उसकी वजह से हम लोग के शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है। शरीर के तापमान के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो धमनियों के अंदर रक्त होता है और जिसे हम ब्लड कहते हैं, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो शरीर के टेम्परेचर को कूल ऑफ करती है और रेगुलेट करती है। तो धीरे धीरे करते करते जब जो है टेम्परेचर ये बढ़ जाता है और उसका रेगुलेशन कम हो जाता है टेम्परेचर का, और अंदर के ऑर्गन्स में भी इफेक्ट पड़ने लगता है, तो किडनी और हार्ट जो यूरिन के थ्रू और ब्लड के थ्रू इनका टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे इफेक्ट करने लग जाते हैं। तो आप ये मानिए, तो तभी जो है किडनीज और हार्ट पे असर पड़ने लगता है और धीरे धीरे करके इसे हीट स्ट्रोक का रूप ले लेते हैं, और जिससे कई बार अगर ये इसका समाधान नहीं किया गया तो उसमें पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, जो अभी ये लू चलने का जो अभी चल रहा है लू, और इसमें जो कहा जाता है कि डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो सिम्टम्स क्या क्या हैं जब हम डॉक्टर के पास जाएं? मतलब व्यक्ति को किस हालात में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैसे वो घर में अपना खुद का इलाज कर सकता है हीट वेव से बचने के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं वैसे बहुत सिम्टम्स बहुत सारे हैं इसके, लेकिन तीन सिम्टम्स मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक्सेसिव टायर्डनेस और वीकनेस, मतलब अगर आपको लगता है कि आप आमतौर तौर पे दिन में इतने थकान का महसूस नहीं करते थे, लेकिन आजकल आप कुछ ज़्यादा ही थकान का थक रहे हैं और थकान महसूस हो रही है आपको, तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज, अगर आपको जितना इतना ज्यादा हेडेक्स नहीं होते थे, मतलब सिर में दर्द नहीं बना रहता था, तो ये भी एक चिंता का विषय है। प्लस अगर मसल में क्रैम्स आ रहे हैं, अगर पैरों में, हाथों में मसल के क्रैम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आप हो सकता है कि आप हीट वेव के शिकार हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका टेम्परेचर, अगर इतनी गर्मी हो रही है तो हल्का फुल्का टेम्परेचर तो देखिए, अगर आप माथे पे छुएंगे, शरीर छुएंगे, तो सबका इस समय लगेगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ आपको हेडेक्स, एक्सेसिव टायर्डनेस या वीकनेस और मसल क्रैम्प्स की शिकायत लग रही है, तो इट मींस कि आप हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि हीट वेव्स और लू से बचने के लिए लोगों को किन सावधानियों को बरतना चाहिए और कैसे इससे बचना चाहिए कि उसे आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। देखिए, ये जो हीट वेव होती है, ये हम लोग मानते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करती है वो वल्नरेबल सेक्शन को इफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी के। जैसे कि वल्नरेबल सेक्शन कौन है? एक तो पीपल बिलोंगिंग टू द लो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा, द पुअर पीपल, जो बेसिकली जिनके पास साधन भी कम है, दिक्कतें हैं। प्लस दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर के घर में रहने वाले माँ बाप, प्लस बाकी जितने भी हमारे जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं और लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज, बच्चे जो लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज, इन लोग की तो आपको, हम लोग को जो है बच्चों और वृद्धों की तो स्पेशल हम लोग को देख रेख करनी है। इसके साथ ही साथ हम लोग को कोशिश करना है कई सारे अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना है। हम लोग को कोशिश करना है, जैसे हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग का काम सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक चलता है, ठीक है,
लेकिन हम लोग को ये, अगर आपका आउटडोर का काम है तो आपको कोशिश करना है कि आपको 12 से 3 बजे तक आप थोड़ा सा काम ये कम करें, और उस समय पे अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं तो कोशिश करके अगर आप वहीं पे रहें तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। अपने आप का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, मतलब पानी वानी खूब पीते रहना है आपको, मतलब जितना पानी पियेंगे उतना आपको बेटर रहेगा। प्लस कुछ कोशिशें ये आपको ये करनी है साथ ही साथ में, जैसे कि कुछ अपनी एक्टिविटीज मॉडिफाई करनी है, जैसे कॉफी का इंटेक जो एक तरह से डायरेटिक का काम करता है, मतलब फोर्स्ड आपका किडनी पे असर करके यूरिन भी ज्यादा निकालता है, सब चीजें। टी और कॉफी का इंजेक्शन कम होना चाहिए, अल्कोहल का इंटेक जो आप अंदर बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन करता है, इसका सेवन भी कम या नहीं करना चाहिए अगर मतलब इस समय के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इन तीन चीजों के अलावा जो आती है कि अगर आप एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजेज ये सब करते हैं, या तो आप ओनली मॉर्निंग में करिए, या आप इस समय जो है इवनिंग में करें, या बिल्कुल इस समय अवॉइड करने की कोशिश करें। यही सबसे इंपॉर्टेंट तीन चार चीजें आती हैं जो एक जनरल पब्लिक को हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें गर्मी से और लू से बचने के लिए बहुत सारी जानकारियां दी, जिससे आगे चलते हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।